देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। योग का उद्देश्य देह को सुगंधित, इंद्रियों को सुव्यवस्थित और मन को सुसंस्कारित करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में करो योग, रो निरोग का मुख्य विषय वस्तु चंद्रदुरुस्ती के लिए योग है जरूरी। आज 21 जून को सातवां योग दिवस है। देह, इंद्रियों और मन जीवन का निकट से प्रभाव डालने वाला तत्व है। योग का उद्देश्य देह को सुगंधित करना, इंद्रियों को सुव्यवस्थित करना और मन को सुसंस्कारित करना है। तीनों उद्देश्यों के लिए कार्य करने योग में हरेक के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं। शरीर को सुगंधित करने में आसन महती भूमिका निभाती है। इंद्रियों को सुव्यवस्थित करने में प्राणायाम कारगर माध्यम है। जब मन को सुव्यवस्थित करने की बात आती है तो ध्यान की आवश्यकता है। तब तीनों तत्वों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है तो नकारात्मक के इस दौर में सकारात्मक परिणाम देखने वाला योगी है। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में योग करते हुए देखा गया है। शरीर को निरोग रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है और ये भारत नहीं पूरी दुनिया को बताया है। योग रखे निरोग का संदेश आज पूरी दुनिया जानती है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में भारत ने विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। आज से 6 वर्ष पहले योग को महत्वपूर्ण मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया गया और तब से ही हर साल इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग करना आपके शरीर में संजीवनी बूटी का काम करेगा। योग दिवस मनाने के लिए अकादमी मैदान में प्रशिक्षार्थियों के साथ साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।